properties of with right and left. Properties of human from one to six. Each living shape of holding any proper opportunity man all of them. Clear? We have to pay attention. Right and left properties of determinant from one to six. देखो जैसे पहली प्रॉपर्टी अपनी है प्रॉपर्टी नंबर वन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट रिमेंस अनचेंज्ड द रोज एंड कॉलम का जरा पहली प्रॉपर्टी आपकी क्या है प्रॉपर्टी वन मान लो ये आपका कोई डिटरमिनेंट है डेल्टा इक्वल A1, B1, C1, A2, B2, C2 और तीसरा है आपका P3, C3 then interchange a row and column ठीक है हम लोग then character A से कदम कर रहे हैं by making row columns हो जाएगा A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3 और C3 इसका हो जाएगा बट हाउ टू ऑप्टेन बाय इंटरचेंज अगर टू कॉल बाय इसी तरह से अदर प्रॉपर्टीज भी हैं आप ही जब आप एक्सपेंड कर सकते तो दोनों वैल्यू सेम आए जैसे इसे एक्सपेंड करो तो याद आएगा कि B1 C2 -B2 C1 और -B1 और ये आपका आ जाएगा और जब इसे आप करेंगे जीवन के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर दो तो ये छूट जाएगा बी टू सी थ्री और सी टू बी थ्री ठीक है ए वन आपका क्या है ए1 ऐसे तो हो जाएगा B1 C3 और A2 C3 A3 C2 A2 C3 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 A2 C3
तो ये सेम रिजल्ट इससे भी आ जाएगा आपका, तो क्या होता है वाई नेचर चेंजिंग द डिटरमिनेंट रिमेंस अनचेंज इन द रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज। इसी तरह से आपका दूसरा प्रॉपर्टी है इफ एनी टू रोज आर कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज तो साइन ऑफ डिटरमिनेंट। अगर केवल कोई दो या कॉलम आपस में इंटरचेंज करते हो तो डिटरमिनेंट का साइन बदल जाएगा। अगर इसका आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो नेगेटिव होगा, नेगेटिव आ रहा है साइन बदल जाएगा। तीसरा क्या है इफ एनी टू रोज आर कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल कर देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इफ एनी टू रोज आर कॉलम। अगर किसी डिटरमिनेंट की कोई दो या कोई दो रो या कोई दो कॉलम आइडेंटिकल अगर है तो उसकी वैल्यू जीरो होगी, तो उसे जब आप एक्सपेंड करोगे तो आइए आपका निकल आएगा। प्रॉपर्टी फोर इफ ईच एलिमेंट ऑफ रो कॉलम बाई कॉन्स्टेंट के जैसे मान लो इसके रो या कॉलम में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं पूरी डिटरमिनेंट में कितना मल्टीप्लाई माना जाता है। इस तरह से डियर स्टूडेंट यू मे राइट एंड लर्न ऑल द प्रॉपर्टीज विद एग्जांपल, एग्जांपल सर की बिना इन ए प्रॉपर वे टू नाउ जस्ट वी सी एन एग्जांपल वेल नोन द प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल आपका है एग्जाम्पल क्या है एग्जाम्पल एलेवन रोकर ए बिगिन थ्री ए प्लस बी थ्री ए प्लस टू बी टू बी सिक्स ए प्लस टू बी प्लस थ्री बी ए प्लस बी प्लस सी फोर ए थ्री बी टू सी और टेन ए सिक्स बी थ्री सी सिक्स बी और ये आपका फिगर इक्वल आना है आपको ए क्यू, ए क्यू आपको प्रूव करना है। स्टूडेंट देखो कैसे प्रूव करते हैं फॉर द प्रूफ टेकिंग लेफ्ट साइड LHS equal in a LHS there is a determinant you may write in a property A 2A or 3A A plus B 3A plus 2B and 6A plus 3B अब ये हो जाएगा A plus B plus C 4A plus 3B plus 2C 10A plus 6B और plus 3 इस तरह अब जरा आपको क्या करना है इसे दो से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस करो जीरो आ जाएगा, ऐसे ही इसे किससे मल्टीप्लाई करो तीन से और इसमें समान नाउ अप्लाई ऑपरेशन अप्लाई करने पड़ेंगे अप्लाई
ऑपरेशन करना है, आर वन का मतलब पहली रो में दो का मल्टीप्लाई करके आर टू से माइनस करना, एंड आर थ्री रिप्लेस बाय आर थ्री माइनस थ्री आर वन, इस तरह से। एक मिनट, ओनली वन मिनट, राइट। देयरफॉर लेफ्ट साइड इक्वल, ये स्टूडेंट केवल मैं ऑपरेशन कर देता हूँ, फ्रैक्शन कर लेना, तो ए टू ही बना रहेगा, यहाँ आपका जीरो आ जाएगा, यहाँ भी जीरो आ जाएगा, और ए प्लस बी दो का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें से माइनस करें टू भी कट जाएगा, ए प्लस बी और यहाँ आपका आ जाएगा ओनली ए, और ए उसमें दो से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें घटाएंगे टू ए प्लस बी, बस इतना ही आएगा टू ए प्लस बी, और यहाँ रहेगा ए प्लस बी प्लस सी। अच्छा, आप तीन से मल्टीप्लाई करके आपको माइनस करना है, थ्री ए थ्री बी कट जाएगा और यहाँ रह जाएगा ओनली क्या थ्री ए, एक से थ्री ए रह जाएगा, और इसके अलावा यहाँ पे आ जाएगा आपका सेवन है और थ्री बी सेवन है, ऑपरेशन आपको करना है, तीन का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे और इसे इसमें से घटाना है, आपको माइनस करना है थ्री बी और बस इतना ही आता है। अब डियर स्टूडेंट, इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, एक्सपेंड एक्सपेंड कर दोगे, यू विल गेट द प्रॉपर इन दिस वे, यू मे नाउ एक्सपेंड।